आज के इस वीडियो में मैंने पाकिस्तानी सलवार बनाई है जो कि बहुत ही इजी बनाना है और बहुत कम समय में बन जाती है। और इसमें कपड़ा भी जो है 2.25 मीटर चाहिए और विड्थ भी जो नॉर्मल होती है 42 या 44 तक चाहिए। तो इसे हम बनाते हैं अभी। तो मैंने जो कपड़ा है ये मेरा 2.5 मीटर है, पर ये 2.25 मीटर कपड़े में ही बन के रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं कपड़े को जो है पहले लंबाई में बिछा लूँगी। कपड़े को मैंने लंबाई में बिछा लिया है और अपनी तरफ फोल्ड कर लिया है। देखिए 4 लेयर्स में है, ओपन वाली साइड मेरी तरफ है, रॉन्ग वाली साइड हमने ऊपर करनी है। ये देखिए डबल विड्थ में 41 है, तो 42 इसका विड्थ है। क्योंकि इसमें प्लीट्स कम बनती है तो ये कम विड्थ में भी बन जाती है। सबसे पहले हमने जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है 1/2 इंच छोड़ते हुए सीधी लाइन लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से हमने जो है अपने सलवार की लंबाई लगानी है। तो जितनी भी सलवार की लंबाई चाहिए, मुझे 37 चाहिए, तो 37 पर यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है, 1/2 इंच मार्जिन के लिए लगा लिया है। तो 37.5 पर मैं सीधी लाइन मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर मैं 2 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ से हमने आसन के लिए निशान लगाना है। मैं 14 पर लगा रही हूँ। स्मॉल और मीडियम के लिए 14 इंच का आसन सही रहता है। अगर आपका लार्ज साइज़ है ज़्यादा तो आप 15 पर लगाइए, अगर हिप साइज़ कम है तो 11 इंच का आसन चलेगा, जैसे 11 से लेकर 14 साल के बच्चों तक। तो इसको अब हम क्रॉच एरिया को इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो जैसे हम ट्राउज़र में देते हैं उसी तरह से इसमें भी शेप देंगे। इस तरह शेप देने से हमें म्याने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नीचे जहाँ पर हमने सलवार की लेंथ लगाई थी बंद वाली साइड पर जितना भी आपको पहुँचा चाहिए 1 इंच बढ़ाते हुए निशान लगा लेना है। मुझे 6 चाहिए, तो 7 पर मैंने निशान लगा लिया है। नीचे भी यहाँ पर अब हम जो पोंचे को जब हमने डबल करना है नीचे की तरफ, तो वहाँ पर 2 इंच पर मैंने और बढ़ाते हुए लाइन लगा ली है। और इसको हम जो है आगे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा के इस तरह से ऊपर मिला लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से जहाँ पर आसन का हमने निशान लगाया था वहाँ तक मिला लेंगे। तो ये हमारी जो है सलवार की जो मार्किंग हो गई है, इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस सलवार की इस तरह से कटिंग हो गई है। अब इसको ऐसे उठाएंगे और दोनों जो है क्रॉच एरियाज है दोनों जहाँ जहाँ पर जैसे मैंने आपको बता रही हूँ इसी तरह से हम यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो दोनों साइड पर मैंने जो है सिलाई लगा ली है। अब हमने इलास्टिक डालनी है जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो जितनी भी आपका वेस्ट साइज़ है आपने 3 इंच उसको कम कर लेना है, उसी हिसाब से हम इलास्टिक डालेंगे। और जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है 1/2 इंच और लेते हुए यहाँ से हमने ओपन छोड़ देना है 2-3 इंच, ताकि हम बाद में इलास्टिक को अंदर डाल सकें। और थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए इस तरह से हम सारा राउंड में फोल्ड कर देंगे। तो मैंने फोल्ड कर दिया है, बस थोड़ा सा जहाँ से अब हमने इलास्टिक डालनी है उतना ही छोड़ा था, और इसमें हम अब इलास्टिक सेफ्टी पिन की मदद से डालेंगे। तो इलास्टिक इसकी जो मैंने है नेफे में डाल ली है। अब इसको हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे, अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे सिलाई लगा के पहले। तो मैंने इलास्टिक पर सिलाई लगाने के बाद अब जो ओपन हमने छोड़ा था उसके ऊपर भी
सिलाई इस तरह से लगा देंगे। और इलास्टिक जो लगाई थी उसके अंदर भी इस तरह से मैंने सेंटर में भी सिलाई लगा दी है। अब हमने पोंचे बनाने हैं। पोंचे की ये सलवार की राइट साइड है, सिंपल भी आप चाहे तो बना सकते हैं, पर मैं कटाप वाले बना रही हूँ। इस तरह से मैंने इस पर कपड़ा अटैच कर लिया है। पहले हम इसको इस तरह से राइट साइड को राइट साइड से जोड़ देंगे और ऊपर भी ये मैं सिलाई लगा दूंगी। इसको बाद में हम सिलाई को निकाल देंगे। इस सिलाई को इसलिए लगा रही हूँगी ताकि जब हम ये कटाप को शेप दें तो अच्छी तरह से सिलाई लगा सकें कि कपड़ा जो है घूमे ना। तो कटाप की इस तरह जिस तरह की शेप में कटाप है उसी कटाप में हम जो है सिलाई को घुमाते जाएंगे। अब इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हम इनको उल्टा देंगे और प्रेस की मदद से अच्छी तरह से बिठा लेंगे इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर दो तीन सिलाइयां लगा देंगे। पहले उल्टे पोंचे पर मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी, फिर राइट साइड पर दो तीन जितनी आप चाहो उतनी आप सीधी लाइनें लगा सकती हैं या डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैंने इस पर पोंचों पर लाइंस लगा ली हैं तो सलवार ऑलमोस्ट बन के रेडी है। आप जितना भी आपको पोंचा चाहिए, हमने पोंचे पर अब जो है सिलाई लगानी है। यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे पोंचा, जितना भी आपने रखना है निशान लगा लेना है, 6 साढ़े 6 जितना आपने पहले लिया था। और इस तरह से निशान लगाते हुए तो आसन को आसन से ही हमने मिलाना है जब हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी साइड भी हमने पोंचे पर निशान लगा लेना है जितना आपको रेडी चाहिए। और आसन को आसन से मिला के सिलाई लगाएंगे हम। तो सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब सलवार को मैं सीधा कर रही हूँ और हमारी सलवार जो बन के रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। तो आसन से आसन मिला के ही मैंने सिलाई लगाई थी और ये देखिए इसकी शेप बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।